गया के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बोध गया पहुंचे। इस दौरान वे बिहार केमिस्ट एसोसिएशन की 17वीं आम सभा में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दवा का सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य से है। ऐसे में दुकान और व्यवसायिक क्रेडिबिलिटी बनाए रखना बेहद जरूरी है और ये ईमानदारी से ही संभव है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी दुकान और व्यवसाय का भी स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। बता दें कि बोधगया में दवा विक्रेताओं का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बोधगया हवाई मार्ग से पहुंचे थे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में दवा के कारोबार से जुड़े कारोबारी व्यापार में आने वाली समस्याओं पर मंथन किया गया। इसके साथ ही बदलते समय में खुद को कैसे अपडेट रखना है, इस पर भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। राज्यपाल ने केमिस्ट और ड्रगिस्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये लोग समाज को लूटने वाले नहीं हैं, बल्कि ये बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करते हैं और ये स्वास्थ्य रक्षक हैं। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज में अधिक मेडिसिन स्टोर्स का खुलना सही नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि लोग अधिक बीमार पड़ रहे हैं, जो सही नहीं। साथ ही कहा कि भले ही ये व्यवसाय के लिए अच्छा हो, लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य के लिए नहीं। बात नहीं थी, परंतु मुझे जाना है क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है और इसलिए वहां से कैप्टन का, चौपर के कैप्टन का बार बार यहाँ संदेश आ रहा है, हो रहा है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप यहाँ आकर अपनी सब बातें एक दूसरे के पास शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और इसी से आपका व्यवसाय, उसकी त्रुटियां, उसकी कमियां और उसकी उपलब्धियां, इन सब पर आप चिंतन मनन करते रहेंगे। आज और कल दोनों दिन मिलकर आप इस पर चिंतन करेंगे। आपकी अनेक व्यवसाय में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो होते हैं, उनकी इस व्यवसाय में कुछ बहुत कठिनाइयां हो सकती है, नहीं है भी, क्योंकि आप बेसिकली केमिस्ट और ड्रगिस्ट है, दूसरों को आप दवाइयां बेचने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में, इस व्यवसाय में जो भी बाकी की बाधाएं आती हैं, उन सब पर आपको विचार करने के लिए आज का अवसर है। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं और आपको सताते हैं। मैंने देखा है ऐसा, इसलिए मैंने कहा। और बहुत बार ऐसे मेरे मित्र भी, कुछ जो केमिस्ट हैं, वो भी मुझे बताते हैं कि आकर हमको जो भी हमारे पास नहीं है, उस पर बाद में उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में कुछ करना और कुछ कर, सब कुछ बातें चलती रहती हैं। इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है यहाँ सरकार की तरफ से ऐसे इन विभागों से कोई आए होंगे, अगर वो आए हैं यहाँ तो उनको भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट अपने इस समाज के, वहां के लोगों को लूटने वाले लोग नहीं है, इस समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। और जितनी भी सुविधा हम उनको देंगे, उतनी सुविधा हमारे सामान्य लोगों को मिलती रहेगी। इसलिए यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंगल जी ने बोलते बोलते एक शब्द का प्रयोग किया और मेरा ध्यान उस पर आकर्षित हुआ, और शब्द का प्रयोग है स्वास्थ्य रक्षक। आप सभी स्वास्थ्य रक्षक हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे पूरी तरह मेरी सहमति है कि आप सभी यह व्यवसाय करते ही हैं, कोई भी व्यवसाय करता है, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, परंतु यह करते करते भी आप स्वास्थ्य अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने सामान्य लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, यह हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसको ध्यान में रखकर आप सब करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम सब सुनते हैं कि केमिस्ट और ड्रगिस्ट के बारे में क्या क्या बोलते हैं। एक बात हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिसका थोड़ा सा उल्लेख माननीय प्रेम कुमार जी ने किया, कि प्रधानमंत्री जी ने जेनरिक मेडिसिन के बारे में जो भी, वह आपके व्यवसाय के विरोध में नहीं है। प्लीज नोट दिस,
जेनरिक मेडिसिन के जो जन औषधि जैसे खुलते हैं, लेट ए कॉमन पीपल गो एंड गो देयर एंड परचेस दिस ड्रग्स, दिस दवाई। मुझे लगता है इसको आपने, इसमें कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह बात आपको ध्यान में रखनी है। सामान्य अपना देश इतना बड़ा है, बिहार की अगर बात करेंगे तो 14-15 करोड़ की अपनी जनता है, इन सबके लिए अपने मेडिसिन उपलब्ध हो सकते हैं क्या? नहीं है, यह वास्तविकता है। अगर इनके लिए सस्ते में जन औषधि के माध्यम द्वारा कुछ अगर मेडिसिन मिलते हैं, वो जेनरिक मेडिसिन मिलते हैं, तो करने की आवश्यकता है। अंततः हम सबको इस समाज का स्वास्थ्य देखना है, समाज का यहाँ का जो अपना स्वास्थ्य है उसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। अगर मैंने ऐसा कहा, आप थोड़े से नाराज हो जाएंगे, मैं जानता हूं, अगर मैंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, इनके स्टोर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, वो ज्यादा खोलने की आवश्यकता होती है क्या? मुझे लगता है होती है आज के दिनों में, परंतु इसका दूसरा अर्थ यह है कि हमारे समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर समाज का स्वास्थ्य ठीक होता है, समाज के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता है, तो इतने औषधि दुकानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक विशेष सर्कल होता है, लेकिन यह आपके व्यवसाय पर आंच लाने वाली बात नहीं है। आपका व्यवसाय भी चलना चाहिए। एक मैंने सब आपके लिए